बीते दिनों पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना पर बीजेपी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हुए बीजेपी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस विद्रोह की आग आज दिल्ली तक आ पहुंची है। दिल्ली में आज बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हुए सीएम ममता के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। संदेश खाली में जो चल रहा है और जिस तरह से वहाँ महिलाएं अपनी कहानियां सुना रही हैं, रोंगटे खड़े करने वाला है। एक प्रदेश जिसकी महिला मुख्यमंत्री हो और उनकी नाक के नीचे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है और उनके टीएमसी के कार्यालय में बुला के होता है, इतनी गुंडागर्दी, और उसके बावजूद भी वो सरकार चुप बैठी रहती है, 55 दिन तक उसको भगाए रखती है। अगर माननीय न्यायालय हस्तक्षेप ना करता तो वो व्यक्ति गिरफ्तार भी नहीं होता। ईडी की टीम जाती है तो उस पर हमला हो जाता है, सरकारी एजेंसियां काम नहीं करेंगी। वो शासन नहीं है ममता का, वह कुशासन है, भ्रष्टाचार का कुशासन है, अत्याचार का कुशासन है। देखिए, हम ये कह रहे हैं ममता बनर्जी स्वयं, क्योंकि वो महिला मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी ले, इस्तीफा दें, वरना उस सरकार को बने रहने का हक नहीं है। राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शन में शामिल हुई बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने सीएम ममता बनर्जी पर विभिन्न आरोप लगाते हुए टीएमसी सरकार पर हमला बोला। संदेश खाली में जो भारत की बेटियों के साथ हुआ उसके खिलाफ भाजपा का एक एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहां आकर एक प्रचंड प्रदर्शन कर रहा है ताकि टीएमसी की निर्मम और क्रूर सरकार अपनी सत्ता की खुमारी से जागे। एक दशक हो गया ये इतने दुष्कर्म संदेश खाली में होते जा रहे हैं। और ममता बनर्जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बात, ममता केवल नाम में है, वो इतनी निर्मम और क्रूर क्यों हो गई? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एक बार भी संदेश खाली नहीं गई है। टीएमसी वो पार्टी है जो माँ माटी और मानुष की बात करती थी, आज माटी शर्मसार है, मानुष को उठाकर ये बंद कर देते अगर कोई गलती से आवाज उठाए, और माए अरे वो तो बेआबरू हो रही है टीएमसी के ही दफ्तरों में। मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाईकोर्ट की कि उन्होंने इतनी सख्त फटकार लगाई टीएमसी की सरकार को कि तभी कुछ कार्रवाई हुई और संदेश खाली के शैतान को कल गिरफ्तार करा गया। लेकिन आपने भी देखा वो गिरफ्तारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था किसी वीवीआईपी को पुलिस प्रोटेक्शन में एस्कॉर्ट करा जा रहा है। ममता बनर्जी की चुप्पी जब तक नहीं टूटेगी और जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देंगी तब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आवाज उठाता रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।